जनता के जनता के जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन और शिक्षा, यानी कि लोकतंत्र में शिक्षा का किस प्रकार से महत्व है, किस प्रकार से शिक्षित और अशिक्षित लोग नागरिक होने से लोकतंत्र विकसित होता है या अविकसित होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो प्रस्तावना के रूप में हम लोकतंत्र में शिक्षा को देखेंगे कि लोकतंत्र की सफलता का मुख्य आधार शिक्षा है, यानी कि लोकतंत्र की सफलता जनता का जनता के द्वारा जनता के शासन जनता के लिए शासन का मुख्य जो आधार है वो शिक्षा है। यानी कि लोकतंत्र की सफलता तभी तभी संभव है जब नागरिक शिक्षित हैं। यदि देश की अधिकांश जनता अशिक्षित या निरक्षर है तो ऐसे दशा में लोकतंत्र की सफलता पर संदेह किया जा सकता है। बिल्कुल, कि यदि देश की अधिकांश जनता अशिक्षित या निरक्षर है, बिना पढ़ी लिखी है, तो ऐसी दशा में लोकतंत्र की सफलता पर शक किया जा सकता है, लोकतंत्र की सफलता पर संदेह किया जा सकता है। इसी कारण संसार के प्रमुख लोकतांत्रिक देशों में, जो संसार के प्रमुख लोकतांत्रिक देश हैं, जहाँ पर जनता के लिए जनता के द्वारा जनता का शासन के रूप शासन का रूप चलाया जाता है, ऐसे लोकतांत्रिक देशों में सर्वसाधारण में शिक्षा के प्रचार प्रसार की ओर ध्यान दिया जाता है और वास्तव में शिक्षित नागरिक ही शासन तथा राजनीति के उत्तरदायित्व को वहन कर सकता है। जो शिक्षित नागरिक होगा वही शासन को संभालेगा और राजनीति के उत्तरदायित्व को वहन कर सकता है। शिक्षित नागरिक ही शासन की बागडोर को संभालेगा और राजनीति के जो उत्तरदायित्व कार्य है उनका निर्वहन कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी सोच से, समझ से, अपनी बुद्धि से, अपनी बुद्धि के विकास से राज्य के जो राजनीति के उत्तरदायित्व होते हैं उन राजनीतिक उत्तरदायित्व के कार्यों को पूर्ण कर सकता है। लोकतंत्रात्मक देशों में मतदान का अधिकार प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है। बिल्कुल, कि लोकतंत्रात्मक देश हमारा देश लोकतंत्रात्मक देश है तो हमारे देश में मतदान का अधिकार प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है। प्रत्येक नागरिक 18 वर्ष के बाद से, 18 वर्ष जैसे उसकी शुरू होती है तब से वो मतदान करने का अधिकार उसको प्राप्त होता है। इस अधिकार के द्वारा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से शासन में भाग लेता है। यानी कि जो मतदान का अधिकार नागरिक को प्राप्त होता है वो नागरिक प्रत्यक्ष रूप से तथा अप्रत्यक्ष रूप से शासन में भाग लेता है। तो मतदान में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि अपना मत देकर वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से शासन में भाग लेता है। शिक्षित नागरिक मतदान का उपयोग ठीक प्रकार से कर सकता है। बिल्कुल, शिक्षित नागरिक होगा तो अपने मतदान का उपयोग ठीक प्रकार से कर सकेगा। उसको ये पता होगा कि मुझे किसको, किस पार्टी को या किसको मुझे वोट देना चाहिए, सक्षम व्यक्ति को या फिर ऐसे व्यक्ति को जो 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 राज्य का या देश का भविष्य का निर्माण कर सके या गाँव का विकास कर सके, ऐसे नागरिक को मुझे वोट देना, ऐसे नागरिक को मुझे मत देना चाहिए। यानी कि जो शिक्षित नागरिक होगा वो अपने मत का उपयोग भलीभांति कर सकेगा, अपनी सोच से, अपनी समझ से, अपने स्वविवेक से वो अपने मत का उपयोग करेगा। साथ में ये कि शिक्षा प्रत्येक नागरिक को इस योग्य बनाती है जिससे वो उत्तरदायित्व पूर्ण तरीके से शासन में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भाग ले सके। यानी कि शिक्षा ही एक ऐसी प्रक्रिया है जो प्रत्येक नागरिक को योग्य बनाती है। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे प्रत्येक नागरिक योग्य बनता है और जिससे वो उत्तरदायित्वपूर्ण तरीके से शासन के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में, यानी कि मतदान देकर वो शासन के रूप में, शासन के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में भाग लेता है। यह नागरिकों के चरित्र का उत्थान करती है। यानी कि जो मतदान होता है वो नागरिकों के चरित्र का उत्थान करती है, नागरिकों के चरित्र का निर्माण करती है, नागरिकों में उत्साह, प्रेम की भावना का संचार करती है, साथ में ही राजनीतिक उत्तरदायित्व की भावना का विकास करती है। शिक्षा के अभाव में, यानी अगर शिक्षा का अभाव है तो लोकतंत्र के सफल होने की पूर्ण संभावना रहती है। यदि शिक्षा का अभाव है, हमारा लोकतंत्र यदि अशिक्षित है, अशिक्षित लोकतंत्र है या अधिकांश जनता अशिक्षित है, निरक्षर है, तो ऐसी स्थिति में लोकतंत्र के असफल होने की संभावना रहती है तथा प्रजातंत्र के दोष उभरकर सामने आते हैं। इससे यह होता है कि लोकतंत्र अशिक्षित होने से अधिकांश नागरिक जब अशिक्षित होंगे तो उसके जो दोष होंगे वो उभरकर सामने आएंगे। साथ में लोकतंत्र में शिक्षा के स्वरूप के विषय में जॉन डीवी ने अपने विचार प्रस्तुत किए। यानी कि लोकतंत्र में शिक्षा कैसी होनी चाहिए, किस प्रकार की होनी चाहिए, उसका स्वरूप कैसा हो, इसके लिए पाषाण विद्वान जॉन डीवी ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं और कहा है कि लोकतंत्र में इस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए, यानी कि लोकतंत्र ऐसा होना चाहिए जिससे व्यक्तियों में सामाजिक संबंध और नियंत्रण में व्यक्तिगत रुचि उत्पन्न हो जाए। यानी कि लोकतंत्र ऐसा हो जिसमें व्यक्तियों में सामाजिक संबंध स्थापित हो और नियंत्रण ऐसा हो जो व्यक्तिगत रुचि उत्पन्न करे, नियंत्रण ऐसा हो समाज में जो व्यक्तिगत रूप से रुचि उत्पन्न करे
और साथ में और उसमें ऐसी मानसिक आदतों का निर्माण हो, ऐसी मानसिक क्षमताओं का निर्माण हो जिससे जिनसे अव्यवस्था उत्पन्न हुए बिना, यानी कि ऐसी मानसिक आदतों का निर्माण हो कि अव्यवस्था उत्पन्न हुए बिना, यानी कि समस्या आए लेकिन उसका निराकरण हाथों हाथ हो जाए और बिना सामाजिक परिवर्तन का होना संभव हो, यानी कि जिससे अव्यवस्था उत्पन्न हुए बिना सामाजिक परिवर्तन का होना संभव हो। साथ में अर्थात यथार्थ में लोकतंत्र शिक्षा का मुख्य कार्य लोकतंत्र की सुरक्षा करना, यानी कि लोक यथार्थ में देखा जाए, वास्तविक रूप में देखा जाए तो लोकतंत्र का मुख्य कार्य, लोकतंत्र की शिक्षा का मुख्य कार्य लोकतंत्र को सुरक्षा प्रदान करना, उसे बल प्रदान करना लोकतंत्र को, यानी कि लोकतंत्र यानी कि जनता को, जनता के द्वारा जनता के शासन को सुरक्षा प्रदान करना, जनता के शासन को बल प्रदान करना तथा लोकतांत्रिक वातावरण उत्पन्न करना और जनता के लिए लोकतांत्रिक वातावरण बनाए रखना। संक्षेप में या सार रूप में या इसकी जो समरी के रूप में है तो वो यही कहा जा सकता है कि लोकतंत्रात्मक देशों में शिक्षा का स्वरूप लोकतंत्र होना चाहिए। जिस प्रकार लोकतंत्रात्मक देश यानी कि जनता के द्वारा जनता के लिए शासन होता है, उसी प्रकार जो शिक्षा का स्वरूप है वो भी जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता के रूप में ही होनी चाहिए। लोकतंत्र का अर्थ अब्राहम लिंकन के द्वारा जो प्रसिद्ध डेफिनेशन है अब्राहम लिंकन की, उन्होंने लोकतंत्र का अर्थ स्पष्ट किया है कि लोकतंत्र शासन का वह रूप है, यानी कि लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन हो, यानी कि जनता के लिए हो, जनता के ही द्वारा हो और जनता का ही शासन हो। साथ में गिडिक्स के अनुसार गिडिक्स ने भी अपनी डेफिनेशन दी है कि लोकतंत्र केवल सरकार का ही रूप नहीं है, लोकतंत्र को हम सरकार का रूप नहीं बोल सकते, वरन ये राज्य और समाज का रूप अथवा तीनों का मिला जुला मिश्रण है। यानी कि लोकतंत्र को हम सरकार का रूप नहीं बोल सकते, नहीं कह सकते, बल्कि राज्य और समाज का रूप भी कह सकते हैं या राज्य समाज और सरकार इन तीनों का मिश्रण भी इसको बोल सकते।